हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो फ्रेंड, आप लोग मेरी वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहें। यहाँ मैंने एक बाउल में 2 टेबल स्पून कस्टर्ड लिया है, वेनिला कस्टर्ड है ये। और ठंडा मिल्क लिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे इसमें लम्स ना रहे। और ये 1/2 लीटर दूध लिया है, इसको हम अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही एक उबाल आ जाएगा तो इसमें मैं 1/2 कप शुगर ऐड कर दूंगी। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आप खाते हैं। और ये मैंने 10 मिनट तक इसको पकाया है। 10 मिनट के बाद मैं इसमें ये जो कस्टर्ड मिल्क है इसको चलाते हुए मिक्स कर लूँगी और लगातार चलाती रहूँगी, नहीं तो ये नीचे बैठने लगता है और नीचे जम जाता है, तो इसलिए हम इसको चलाते रहेंगे। अब हमें इसको जब तक चलाना है जब तक ये थिक नहीं होता है। थोड़ा देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा हम इसको थिक नहीं रखेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। इसमें हमें फ्रूट भी डालने हैं तो ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बिल्कुल सही पक चुका है। अब मैं गैस ऑफ कर दूँगी और इसको अच्छे से ठंडा कर लूँगी। और यहाँ जब ये ठंडा हो गया है तो मैं इसमें फ्रूट ऐड कर लूँगी। फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट लिए मैंने। यहाँ मैंने ग्रेप्स, बनाना और एप्पल लिया है, उसको कट किया है। बाकी ये टूटी फ्रूटी। और ड्राई फ्रूट में मैंने काजू, बादाम और किशमिश लिए हैं। काफ़ी अच्छे लगते हैं ड्राई फ्रूट भी अगर हम फ्रूट के साथ ऐड करते हैं तो। और भी आप फ्रूट अपने मनचाहे इसमें डाल सकते हैं। अब इन सब ड्राई फ्रूट एंड फ्रूट्स को कस्टर्ड में मैं डाल दूंगी। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 आवर्स के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि कस्टर्ड जो होता है बहुत ही जो चिल्ड होता है तभी अच्छा लगता है। कस्टर्ड अच्छे से चिल्ड हो गया है, चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक आइसक्रीम बाउल लिया है, इसमें मैं कस्टर्ड को सर्व कर लूँगी। गार्निश के लिए मैं कुछ कटे हुए बादाम और काजू, पिस्ता और टूटी फ्रूटी यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये, आप खुद देख सकते हैं कस्टर्ड कितना प्यारा आ रहा है, इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।